नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुरुदयाल है और आप देख रहे हैं सुपर ज्ञान चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लेम सेटल बट रिटर्न के बारे में। दोस्तों बहुत सारे पीएफ मेंबर के साथ ऐसा होता है कि वे क्लेम तो सबमिट कर देते हैं लेकिन उसका क्लेम सबमिट होने के बाद ईपीएफओ की तरफ से अप्रूवल मिल जाता है और सेटलमेंट भी कर दिया जाता है, पर सेटलमेंट करने के बाद तो पीएफ का पैसा जो होता है उसके अकाउंट तक नहीं पहुंचता है और उसका स्टेटस जब चेक करने जाते हैं तो वहां पे लिखा हुआ आता है क्लेम सेटल बट रिटर्न लिखा हुआ आता है। तो इसका क्या कारण है और इसके का क्या समाधान है, तो इसके बारे में फुल प्रोसेस वीडियो में आज बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लिया और साथ में बेल आइकन के बटन को दबा दे ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्लेम सेटल बाय रिटर्न दोस्तों नाम से पता चलता है। तो दोस्तों मतलब यह है कि लगा लीजिए आपने पीएफ के लिए पैसा के लिए आपने फुल एंड फाइनल या एडवांस पीएफ के लिए अप्लाई किया, ईपीएफओ ने उसे अप्रूवल कर दिया और आपके बैंक अकाउंट तक पैसा को सेटलमेंट भी कर दिया गया है और बैंक अकाउंट में पैसा को भेज दिया गया, पर आपके बैंक अकाउंट में पैसा ना पहुंचकर वो बैंक द्वारा उस पैसे को रिजेक्ट कर दिया गया और वो पैसा वापस से ईपीएफओ के अकाउंट में वापस आ गया। तो यही का मतलब होता है कि बैंक ईपीएफओ द्वारा पैसा सेटलमेंट किया गया और बैंक द्वारा रिटर्न किया गया। इसका मतलब ये होगा कि आपका पैसा सेटलमेंट तो किया गया बट रिटर्न कर दिया गया है। तो ये है ईपीएफओ मैं जो स्टेटस देखने को मिलता है सेटल बट रिटर्न का, यही कारण है सेटल बट रिटर्न का। क्लेम सेटल बट रिटर्न को ठीक करने का क्या समाधान है, इसका समाधान क्या है, तो चलिए हम बताते हैं। दोस्तों इसका कारण एक ही होता है, जो ये फैल होता है तो इसका कारण एक ही होता है, आपका अकाउंट डिटेल गलत होने का। तो दोस्तों आप लोग तो सोच रहे होंगे कि हमने बैंक के वैसे तो सही कर रखा है, तभी तो हमने क्लेम के लिए अप्लाई किया था और तभी हमारा क्लेम सबमिट हुआ है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो आपका क्लेम सबमिट करने जाते हैं तो आपके द्वारा क्लेम सबमिट कर दिया जाता है और ईपीएफओ द्वारा क्लेम सबमिट करने के बाद ईपीएफओ द्वारा सारा डिटेल चेक करने के बाद सारा डिटेल ओके होने के बाद उनका द्वारा पैसा सेटलमेंट कर दिया जाता है। पैसा सेटलमेंट होने के बाद जो आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचता है तो बैंक द्वारा उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है और वापस ईपीएफओ अकाउंट में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों इसमें ना तो पीएफ कुछ भी डिटेल चेक करने के बाद आपका जो डिटेल चेक करता है वो जो पीएफ के पास आपने सबमिट कर रखा है वही डिटेल चेक करता है, वो बैंक में जाके तो नहीं देखता और वहाँ बैंक में जो कुछ भी अगर चेंजिंग हुआ होगा तो उसके बारे में पीएफओ को नहीं जानकारी होती और वो सारा पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर करता है और बैंक द्वारा रिजेक्ट कर जाता है। अब बैंक तो ये नहीं देखता कि आपका अकाउंट में एसएमएस है या आपका आईएफएससी कोड बदल चुका है, इसके बारे में उसको नहीं पता होता है, इसलिए ऐसा होता है। देखिए बहुत सारे पीएफ अकाउंट होल्डर ऐसे होते हैं जो अपने पीएफ अकाउंट में जब अकाउंट ऐड करने अकाउंट केवाईसी के लिए करने जाते हैं तो वहाँ पे जब अकाउंट नंबर एंटर करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों का अकाउंट जो जीरो से स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे दोस्तों क्या करते हैं कि वे जीरो ना डाल के सोचते हैं जीरो ऐसे ही है उसको नहीं डालते हैं और जीरो ना डाल के वहाँ पे केवाईसी कर देते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि जब आप भी अपने बैंक केवाईसी को करने जाए तो वहाँ पे जितने भी जो अंक दिए होते हैं जीरो से स्टार्ट हो या कहीं से भी स्टार्ट होता है तो उसको पूरा का पूरा फिल करना है, तब आप अपना केवाईसी अप्रूवल करें अपडेट के लिए डालें और पूरा डिटेल सेम टू सेम मिलाए अपने पासबुक से और उसके बाद अकाउंट नंबर उसके बाद आईएफएससी कोड सेम टू सेम मिला के उसके बाद ही उसको केवाईसी के लिए ऐड करें। और दूसरा कारण है दोस्तों, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बहुत सारे बैंक आपस में मर्ज हुए हैं जिस कारण से उन बैंकों का आईएफएससी कोड भी चेंज हुआ है। तो दोस्तों जब आप क्लेम सबमिट करते हैं तो कमिल क्लेम सबमिट तो हो जाएगा लेकिन आईएफएससी कोड की वजह से वो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, तो रिजेक्ट होने के बाद वो पीएफ अकाउंट में वापस आ जाएगा। दोस्तों दूसरा कारण ये होता है कि जब आईएफएससी कोड चेंज हो चुका है तो वो भी दूसरा कारण हो सकता है। तो अगर आप लोगों का भी बैंक आप लोगों का भी क्लेम सबमिट होने के बाद आपका पैसा रिटर्न हो गया है तो दोस्तों इसका ये आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को अपने बैंक का पासबुक लेना है और केवाईसी करते समय पूरा डिटेल आपको सेम टू सेम मिलाना है कि इसमें किसी कोई चीज छूट तो नहीं गया है। उसको सेम टू सेम मिलाने के बाद आपको अपना बैंक का आईएफएससी कोड भी चेक कर लेना है कि हो सकता है कहीं आपके बैंक का आईएफएससी कोड चेंज तो नहीं आया है। अगर आपका बैंक का आईएफएससी कोड चेंज हुआ है तो वहाँ बैंक में जाना है और बैंक में जाकर वहाँ से आपको आईएफएससी कोड लेना है, उसके बाद आपको केवाईसी अपडेट कर देना है। केवाईसी अपडेट होने के बाद आपको क्लेम सबमिट के लिए अप्लाई करना है। दोस्तों क्लेम सेटलमेंट तो हो गया और ईपीएफओ द्वारा क्लेम सेटलमेंट हो गया और बैंक द्वारा रिटर्न भी कर दिया गया है। तो दोस्तों उसके बाद रिटर्न होने के बाद एक प्रॉब्लम जो आता है जो, तो वो पैसा हमारे पीएफ पासबुक में अपडेट अब तक नहीं हुआ है, तो इसका कारण क्या है। तो दोस्तों बता दें कि दोस्तों जब आप बैंक द्वारा पैसा रिटर्न कर दिया जाता है तो आपके पीएफ अकाउंट में पासबुक में जो है 7 से 10 दिन के अंदर में पैसा आपके पासबुक में ऐड कर दिया जाता है, अपडेट कर दिया जाता है। अगर दोस्तों आपका पैसा अपडेट नहीं होता है तो आप ग्रीवेंस ईपीएफओ ग्रीवेंस पोर्टल पर जाना है और वहां से ग्रीवेंस डाल देना है, उसमें लिख देना है कि मैंने इतने तारीख को पीएफ के लिए आवेदन किया था एडवांस पीएफ या जो फुल एंड फाइनल के लिए आवेदन किया था और 7 से 10 दिन हो चुके हैं और पर मेरे पीएफ अकाउंट में पासबुक में अब तक पैसा अपडेट नहीं हुआ है,
तो वहाँ पे आपको लिख देना है और आप वहाँ पे ग्रीवेंस डाल देना है। अगर ग्रीवेंस में आपको ईपीएफओ ग्रीवेंस स्टेटस में जब आप चेक करने जाएंगे और वहाँ पे अगर ग्रीवेंस में आपको ईपीएफओ एएसआर फॉर्म भरने के लिए बोले तो दोस्तों उसको एएसआर फॉर्म भरना है और उसको भरने के बाद जिस पीएफ अकाउंट में आपका पैसा कट रहा था उसी पीएफ अकाउंट में जाना है और वहाँ पे जाके जमा कर देना है। दोस्तों ये था फुल प्रोसेस जो आपका जो क्लेम सबमिट बट रिटर्न जो ऑप्शन आता आ जाता है स्टेटस चेक करने के बाद, तो उसका समाधान ये है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन के बटन को दबा लेना और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना और लाइक जरूर करना ताकि अन्य लोगों तक भी यह जानकारी पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।